चलें इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरीके से अब हमने आज इसको कंप्लीट करना है। तो आज के सेशन में हम इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने कल किया था। तो इसके लिए भाई बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए हमने यहाँ विंडोज़ में जाके लेयर्स को ऑन कर लेना है। लेयर्स को ऑन करने के बाद यहाँ से क्लिक करके हमने लेयर्स को यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है एड लेयर करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको फर्दर बनाना शुरू करना है। तो यहाँ क्लिक किया पैन टूल पर, उसका जो फिल था वो हमने नन कर दिया, स्ट्रोक पे ब्लैक कलर की आउटलाइन ले ली। तो अब इसको इसी तरह से लेके जाना है हमें ऊपर, और यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरह के ही मामला जिसके आउटलाइंस के हमें रखने। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से अच्छा, अब ये पार्ट जो है इसका थोड़ा हेड ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे रहेगा ये पार्ट। तो हम इसको पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ये कैसे शुरू हो रहा है। तो जैसे हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सीधा का सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम देना है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से शुरू किया है, और यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएं, और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा हमने आगे निकालते हुए इस तरह से इसको पीछे लेना है, ताकि ये एक इस तरह का मामला इसके साथ क्रिएट हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर ले जाके भी इसी तरह से हल्का सा इनसाइड इसको ऐसे लेना है, और फिर यहाँ से इसको दोबारा से इस तरह लेके और हमने ऊपर लेके जाना है, और फिर यहाँ पे जाके इसको दोबारा से हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर करना है इसको इस तरीके से, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐसे रखा जाएगा, और इसको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ले जाके हम इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से ले जाके हमने इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से हमें करना है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का मामला होगा कि तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जाके इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ले जाके हमने फिर इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, और इसको फिर इस तरीके से कनेक्ट करके इसको इस तरह से ऊपर लेके जाके यहाँ पे कनेक्ट करना है, और फिर यहाँ से यहाँ पे रख के थोड़ा सा आगे ले जाके इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से जूम करेंगे, ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर इस तरीके से ले जाके इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से एक दफ़ा फिर से ले जाके इसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ रखने के बाद इसको इस तरीके से ऑल्टर के साथ क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऑल्टर के साथ हमें इसको यहाँ पर रिमूव कर देना है, और यहाँ करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने बनाया है इसमें जहाँ पर अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसको सही कर लेनी है, जो थोड़ी बहुत इसमें ख़राबी रह गई है इसके अंदर। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे रख लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर थोड़ी बहुत है ख़राबी तो उसको ऐसे करके थोड़ा सा सही कर लेना है इसको। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको सही करने के लिए। तो देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा था, फिर ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा खींचना है, इसको थोड़ा सा पीछे ले लें। थोड़ा सा इमेज अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू इतना ख़ास नहीं है कि अगर हम इसको यहाँ से लेके थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले जाने के बाद इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं, या इसको थोड़ा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखें कुछ डायरेक्शन में आ गया है, और यहाँ पे करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और इस तरह से करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर रख के इस तरह से सेट कर दिया हमने यहाँ से। इसी तरह से फर्दर अगर यहाँ पर कोई चीज़ आगे पीछे मूव हो रही है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा तो कोई मसला नहीं है, लाइंस पर रख लें सही है, ठीक है। अगर आगे पीछे हो रहा तो वो शेप ऐसे ही निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको रख लीजिए, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं सीधा कर लें इसको थोड़ा सा, ये तो सीधा ही जाएगा। और ये यहाँ वाला जो हैंडल है इसको थोड़ा खींच के ऐसे हल्का सा नीचे ले लीजिए, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो ये मामला आ रहा है इसको पकड़ के इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये वाला पॉइंट पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको पकड़ के यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको ये वाला लेते हैं कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर पे आ गया इस तरीके से। और इस कॉर्नर पे लेने के बाद इसका ये पॉइंट पकड़ के हमें यहाँ पर करना है, लेकिन ये पॉइंट से इतना पकड़ में नहीं आया, सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से इसको, और यहाँ से पकड़ के इसको इस कॉर्नर पर ले आते हैं, तो ये सेट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ऊपर जाके देखिए ये बिल्कुल सही जा रहा है, गोलाई भी इसकी सेट आई है, और ये यहाँ पे
बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लिया है हमने इसको, थोड़ा सा और आगे कर दें अगर ये थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में नहीं है, बल्कि अब ये सेट हो गया है। और अगर थोड़ा इसको कर्व में डालना है तो ये इस तरह से भी और इस तरह से भी कर्व में इजीली ऐड किया जा सकता है। तो जो भी पॉइंट इसके लिए सेट है वो यहाँ पे कर लें। तो ये देखिए हमने इसका ये वाला हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, रिफ्लेक्शन टूल लेंगे और रिफ्लेक्शन टूल लेके इसके साथ ही यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे। तो ये देखें इसका ये पूरा का पूरा निकल आएगा। कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक और ये इसका पूरा का पूरा यहाँ पे ये मामला इसका इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड्स इसकी कंप्लीट होके इस तरह से आ जाएंगी। अब रह जाएगा ये वाला हिस्सा। तो नीचे वाला हिस्सा क्यों ख़राब हो गया, आई थिंक इसी को सेलेक्ट में ही नहीं आया था। ठीक है, तो एक दफ़ा अंडू कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर से इस पूरे पॉइंट को क्लिक करते हैं यहाँ से और फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट लेते हैं और ऑल्टर के साथ इस पर क्लिक करते हैं। तो कॉपी लेके देखते हैं, अब देखिए सही आ गया यहाँ पे और ये इस तरह से आ गया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा इसका थोड़ा इसका डिसकनेक्ट हुआ है, जो आपको सही तरह हमने बीच में इसको कनेक्ट नहीं किया था। तो अब भले आप इसकी स्पैन टूल से ले जाके इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ये पार्ट वैसे ही पीछे छुप जाना है तो इसलिए इसको नज़र भी नहीं आना है। तो ये इस तरीके से ये वाला हिस्सा इसका ईजिली क्लियर हो जाएगा। सेव कर देते हैं उसको यहाँ पर। अच्छा, अब ये पार्ट जो इसका आउटर पार्ट था वो बन गया इसका। देखें तो ये बेसिक शेप इसका निकला है मीनार का, और जो कि शेप इस तरह का है। और ये हिस्सा तो खैर इसका छुपी जाना है, पीछे तो नज़र नहीं आना है, तो इसको भले ऐसे ही रहने दें, ये ऐसे नज़र आ रहा है। और ये तो वो आगे वाला हिस्सा है इसका, ठीक है ना। तो अच्छा, अब रह गया इसका अंदर वाला मसला। तो अब अंदर वाले पोर्शंस में देखें क्या है कि यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के ये स्टाइल्स और डिज़ाइंस इसके ऊपर बने हुए हैं। तो अगर हम इसका एक डिज़ाइन कम्प्लीट करते हैं, जो कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिज़ाइन है, फिर एक पोर्शन ये पोर्शंस हैं, अच्छा ये ऊपर की कहानी है, तो फिर जाके ये इस तरह का मामला इसके ऊपर क्रिएट होगा। या फिर इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ है और ये वाला इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि कौन से पोर्शंस को हमने अलग बनाना है और कौन से को ऐसे ही कंप्लीट करके छोड़ देना है। जैसे कि अगर बात करें तो ये वाला जो इसका ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है, इसके ऊपर तो देखें इस तरह का शेप बना के आपने इस पर बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ करने के लिए अब आपने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं, एड न्यू लेयर करके पैन टूल ले लेते हैं, और पैन टूल लेने के बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस शेप को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रख लेते हैं। ऑल्टर के साथ आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर रखना है तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे रख के ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको शेप को इस तरीके से थोड़ा सा इस शेप में ले लेना है ताकि दोनों साइड से इस तरीके से कनेक्टेड रहे। ठीक है, और यहाँ पे रखने के बाद इसको क्लिक करेंगे ऑल्टर के साथ, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको इसके साथ क्लिक करके इसको यहाँ पे हमने अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से ये जो बाकी भी शेप्स हैं उनको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब समझ में तो आ गया होगा कि किस तरह से करना है इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ से पैन टूल लेना है, अब ये फिर से इसी शेप को यहाँ से लेना है और यहाँ पर इस कॉर्नर पर रखना है। ठीक है, तो ये इस कॉर्नर पर रखने के बाद इसको इस तरीके से करना है, ऑल्टर के साथ इसको नीचे लेना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके इसको ऐसे ऊपर से नीचे ले लें, यहाँ पर रख के आई थिंक सो हम इसको यहाँ से ही ले लेते हैं, यहाँ पे रख के ये ऐसे घूमेगा ना, तो यहाँ सॉरी तो यहाँ पे अंडू कर लेते हैं, यहाँ पे रख के हम इसको इस पोर्शन पर रख के भी इसको इस तरीके से हल्का स्लाइडली कर्व इस तरह से दे के इसको रख सकते हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे कि हाँ भाई ये इसका पार्ट है, तो इसको हम इसके स्ट्रेट पर रखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से उठा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए पोर्शन सही निकला है, ऑल्टर के साथ इस पर यहाँ क्लिक करके हमने यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ देना है दोबारा से। ठीक है, तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये बिल्कुल इस तरह से ही नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर कि ये इस तरह का कोई शेप है। अच्छा, जुड़ने में भी थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि जब आप जोड़ रहे हैं उसको पैन टूल से, तो यहाँ से ऑल्टर के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, पैन टूल यहाँ से शुरू करते हैं, और जब आप इसको इससे जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्लाइडली ये इस तरह से कर्व ही नज़र आए ताकि इसके कोने जो हैं वो थोड़े बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये बाद में सेट करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाके पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, फिर बाद में हमें ये इसको हिस्से को यहाँ से लेफ़्ट एरो की मदद से इसके अंदर ले लेना है ताकि पीछे वाला शेप जो है ना वो आगे रहे, क्योंकि इसके कोने ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ ले लिया, तो ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा और ये आपको प्रॉपर्ली ये शेप इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है तो इसको सही भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके ये वाला साइड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये वाला साइड देखें इस तरह से ऊपर हो गया, इस साइड पर लेफ्ट हो गया, तो ये देखिए इस तरह से बन के आपको नज़र आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसी तरह से और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी यही चीज़ क्रिएट होनी है।
तो अब यहाँ पर ये चीज़ जो क्रिएट होनी है, तो इसमें होगा ये कि फिर ये हमें कुछ शेप्स इसके पीछे छुपाने पड़ेंगे, तो ताकि वो इसके पीछे से ज़ाहिर ना हो, तो हम इसके ऊपर भी ये चीज़ यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ से हमने पेन टूल लिया, और पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और पेन टूल लेके हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर अल्टर के साथ इस पर क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पर ले जा के नीचे की तरफ हमने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको इसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज करते हुए अल्टर के साथ ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ से इस शेप को ऐसे लेके जाना है, फिर इस शेप को यहाँ पे ऐसे रख के थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, एंड देन फिर यहाँ से इसी शेप को यहाँ से कंटिन्यू करवाना है यहाँ तक। तो अब यहाँ तक जब ये कंटिन्यू होगा तो शिफ्ट का बटन दबाता हूँ तो सीधा इसके स्ट्रेट पर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये इस तरीके से ऑल्टर करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के सीधा रख के मैंने यहाँ पे इस जगह पे इसको इस तरीके से ऐसे कर दिया, और अल्टर के साथ इस पर क्लिक कर दिया, जूम कर लिया हमने यहाँ से। तो यहाँ पे इसको जूम करके इसको इस तरीके से, और इसको उसको इस तरीके से, और इसको ले जाके हमने वापस से इसे मिला देना है। नहीं मिला, थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं एक दफ़ा, थोड़ा पीछे हो गया होगा ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से, और यहाँ ले जाके इस पॉइंट से मिला के इसको कुछ इस तरह का शेप दे देना है। तो ये देखें, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा भी इसका इस तरीके से बन गया। तो ये दो पोर्शंस बना लिए। अब इसके इसी तरीके से अब इसका तीसरा पोर्शन बनाएंगे हम इसके ऊपर क्लिक करके। तो उसके लिए भी हमें यही करना है कि पेन टूल लेना है यहाँ से। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बन रहा है, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। इसको यहाँ से बनाने की शुरू करते हैं इस कॉर्नर से। तो यहाँ से क्लिक किया हमने, और शिफ्ट के साथ इस कॉर्नर पर लाए, और इसको इस तरीके से हमने ये शेप यहाँ पर निकाल लिया, और ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक कर दिया। अब इसका बाकी हिस्सा नीचे बनेगा, तो यहाँ से हम रख के इसको थोड़ा सा आगे लेकर आए घुमा के, और यहाँ पर इसको हमने नीचे की तरफ ले लिया इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ पर दूसरा शिफ्ट के साथ बटन दबाया, और यहाँ पे क्लिक किया इसके स्ट्रेट पोजीशन पे। ये दूसरा वाला पोर्शन हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। ठीक है, तो सही नहीं निकला, थोड़ा सा इसको सही करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करके ये शिफ्ट का बटन दबाया मैंने, और यहाँ से इसको क्लिक करके थोड़ा बाहर चला गया शिफ्ट। ओके, अब ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से ये निकाल लिया मैंने इसको सही तरीके से। ऑल्टर के साथ क्लिक किया, और यहाँ पर जाके इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया, और यहाँ से ले जाके हमने इसको यहाँ पर इस तरह से मिला दिया। तो ये देखिए, इसका सेंटर पॉइंट जो है इसका क्रिएट हो गया। अगर हमें थोड़ा इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करके इसको डाउन एरो दबा के इसको इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको सही रहने देते हैं, क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ओके कर दें। फिर उसके बाद इसका नीचे वाला मिड पॉइंट बनाना है। अब मिड पॉइंट में यहाँ पर भी देखें, इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इसके ऊपर ये पोर्शंस बनाए हैं। देखें, ये वाला पॉइंट तो इसका सही निकला है, ये ऊपर वाले हिस्से बिल्कुल सही निकल आ रहे हैं, और नीचे वाले हिस्से भी इसके तकरीबन सही निकल आएंगे। तो बस इसी तरीके से हमने इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ये इस तरह के मामला क्रिएट करने हैं, जिस पर ये चीज़ इस तरह से क्रिएट होगी कि ये इस तरह से, और फिर ये नीचे आके इस तरह से क्रिएट हो, ताकि ये इसके सारे अलग अलग पोर्शंस इसके बन जाएँ। तो ये चीज़ हमने करते जानी है। अब इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लेके जाएंगे शिफ्ट के साथ, हमने इसको इस तरीके से क्लिक करके इस तरीके से करना है, और यहाँ पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ। तो यहाँ से क्लिक करेंगे ऑल्टर के साथ, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने इस तरीके से, और यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है, फिर नीचे लेके चले जाना है। अब यहाँ से आप इसको घुमाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट आएगा यहाँ पे, और इस पर रख के आपने इस तरह का मामला इसके साथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर इसको ऊपर लेके जाना है, और फिर इसी मामले को इसी तरीके से इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनता जा रहा है इसके साथ साथ। और अब ये नीचे वाले दो पोर्शंस को भी कम्प्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इनमें थोड़ा सा कम हमें लचक रखनी है, तो इसमें सीधे सीधे ही तो हल्का सा यहाँ से हल्का सा लेंगे, और यहाँ पे लेके हल्का स्लाइडली इसको थोड़ा सा ऐसे
ऐसे दिखाना है स्लाइटली कि ये एक इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से रख के फिर यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे सीधा रख के हमें इसको दिखाना है कि ये हल्का सा स्लाइटली ठीक है। तो उसके बाद ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे ले जाके हम इसको शिफ्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये इस तरह का मामला क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट नहीं भी दबा रहे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, ये इसके साथ ऐसे ही कनेक्ट होकर नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये इसका ये वाला पोर्शन भी क्रिएट हो गया, और फिर रह गया हमारा ये फाइनल ये वाला पोर्शन। इसके अंदर ज़रा गेप कम है, तो इसको उसी तरीके से मैनेज किया जाएगा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें इस तरह से। तो पहले नीचे वाले को बना लेते हैं, तो इसको हमने सीधा लेके जाना है यहाँ से क्लिक करके। ये देखिए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, सीधा लेकर गए हम इसको, थोड़ा सा हल्का सा अगर इसमें कर्व डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा डाल दें, और फिर ऑल्टर के साथ क्लिक करके इसको इतना ऊपर ले जाएं, ठीक है। और ले जाने के बाद यहाँ पे रख के, और इसको यहाँ से रख के, और इसको फिर इस तरीके से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ ऐसा कर दें, और फिर ऑल्टर के साथ क्लिक करके थोड़ा बाहर चला गया ये पॉइंट, फिर क्लिक कर दें, तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर ले लें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा नज़र आएगा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसका ये वाले साइड्स इसके क्रिएट हो गए। अब रह गया इसका अंदर वाला हिस्सा, जो हमें अलग अलग करके हमें बना लेना है, और जैसे जैसे वो अंदर वाला हिस्सा बन जाएगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता चला जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन हमें बनाना है, तो देखिए ईजीली बन जाएगा। इसके और पेन टूल लेंगे, और यहाँ से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट अवे जाएंगे, ठीक है, यहाँ रख के, और यहाँ रख के थोड़ा सा इसको स्लाइटली यूँ घुमाएंगे, और फिर यहाँ पे जाएंगे, और फिर यहाँ से घुमा के इसको दोबारा नीचे लाएंगे। थोड़ा सा ख्याल करना है अपने यहाँ पे नीचे आते वक्त, ये देखें ऐसे करके, और फिर नीचे ला के इसको यहाँ पर आपने रखना है, और फिर यहाँ से ले जा के इसको इसके साथ जोड़ देना है, और इसके साथ इसको लाइन को मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा, तो ये आपका जो है ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ईजीली बैठ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आ जाएगा ऊपर वाला पॉइंट। और फिर अब रही है ये वाला पॉइंट जो इस तरह से क्रिएट करना है, तो पेन टूल से लेके आपने ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से थोड़ा सा गोल करके लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम इसको, क्योंकि ये इसके साथ ही कनेक्टेड दिखा रहा है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं यूँ करके, और यूँ ले लेते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पर ले जा के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं, एंड देन फिर इसको दोबारा से रीगेन करके यहाँ से सीधा ले आते हैं, थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको ये इस तरीके से, और यहाँ से ले जाके इसको कनेक्ट कर देते हैं इस लाइन के साथ, थोड़ा नीचे ले जाके, और फिर इसको इसी लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसी लाइन के साथ ले जाके इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं, तो ये पूरी लाइन इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, ये इसका टॉप वाला हिस्सा भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब बीच में तो ये लाइंस लगानी है, तो अब इसमें लाइंस हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि एक तो हम ये शेप बना के ऐसे करके लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है ना, फिर इसमें मसला आएगा ये ऊपर नीचे वाला मामला कर्व करने का, तो इसको फिर ये दोनों सेलेक्ट करके कर्व करके इसको इस तरीके से बीच वाले पॉइंट्स को, और फिर इनको ऐसे करके हमें ऊपर की तरफ हल्का सा उठाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि ये पेन टूल ही यूज़ कर लो भाई। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ले लो थोड़ा सा सेंटर पॉइंट के ऊपर इस तरीके से नीचे, और उसके बाद क्लिक करके नीचे ले लो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्लिक करके हल्का स्लाइटली ऊपर ले लो यहाँ से इस तरीके से। शिफ्ट के साथ करोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्लिक हो जाएगा, इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, तो ये देखें इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन इसका यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो गया। सिमिलरली अब ये सारे पॉइंट्स भी आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेंगे, कि इस तरह से ये लाइंस जैसे दिखाई गई हैं, इन लाइंस पे ऐसे रख के आप ऐसे नीचे लाते रहें, नीचे लाते रहें, नीचे लाते रहें, फिर इनको इस तरीके से जवाब करते रहें, फिर इसके ऊपर भी ये लाइंस इस तरह से आती रहेंगी नीचे, और फिर इनके ऊपर इस तरह से लाइंस लगाते रहें, और इस तरह से ये पूरा हमारा जो मीनार पाकिस्तान का स्टेच्यू है यानी कि ड्राइंग है, ये कम्प्लीट हो जाएगी, और ये बिल्कुल लुक लाइक रियल नज़र आने लग जाएगी। तो इसमें बहरहाल आप इस तरीके से थोड़ा सा काम करेंगे तो ये आपका बेहतर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ट्राई करें और फिर शेयर करें मेरे साथ।